हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रहा मेरा आज का खजाना, जिससे कि मैं बनाऊंगी आज के अमेजिंग डीआईवाई। ये देखिए, दिवाली के जो भी जले हुए पटाखे थे, जैसे कि शॉर्ट्स हो गए या अनार हो गए, फुलझड़ियाँ हो गई, जो भी मेरे पास मतलब यहाँ घर में हमने यूज़ किया था, काफ़ी सारा सामान मैंने उसमें से संभाल के रख लिया था। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है अनार, और इनको ना मैं नीचे से ये वाला जो पार्ट है ना इनका, इसको ना मैं कटर की हेल्प से निकाल लूँगी। आप यहाँ पे नाइफ़ का यूज़ भी कर सकते हैं। यकीन मानिए, बिल्कुल ही जीरो बजट में बनने वाले डीआईवाईज हैं आज के मेरे ये। तो इस तरह से मैंने एक गोटा पट्टी ली है, मेरे पास एक घर में पड़ी हुई थी, उसी को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। इस तरह से मैं इसको यहाँ पर बांध दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर फेविकोल की हेल्प से इसको यहाँ पर चिपका भी कर सकते हैं। और फिर इसको इस तरह से मैं यहाँ पे लगा दूँगी, पूरे को मैं इसी तरह से इससे कवर कर दूँगी। अगर आपके पास लेस नहीं है ये वाली, तो आप यहाँ पे कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी इजी होता है बनाना और फटाफट से ये बन जाता है। ये देखिए, इस तरह से मेरी एक बेल बन के रेडी हो गई है। इस तरह से मैंने काफ़ी सारी बेल्स बना के रख ली हैं। आप इनका यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ पे आप इन बेल का यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने कुछ बॉल पुट्टी की बीड्स पड़े हुए थे मेरे पास पहले से ही, उनको मैंने इस तरह से पिरो लिया है और साइड में मैंने इन बेल को बांध दिया है। और ये देखिए, मेरा ये डीआईवाई बन के रेडी हो गया है। और इनका यूज़ मैं करूँगी अपने कर्टन को टाई करने के लिए। ये देखिए, कितने ही सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। कोई भी इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता है कि हम जले हुए अनार से भी इस तरह का कुछ बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड डीआईवाई की ओर। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पुराना कंटेनर है, फूड कंटेनर था ये, और ये जो फुलझड़ियाँ होती हैं ना, ये आगे से काफ़ी मतलब जल जाती हैं आधी, और आधी ये बच जाती हैं, क्योंकि इनमें मसाला आगे तक ही होता है। तो जो बाकी की थी उनको मैंने अपने कंटेनर के हिसाब से कट कर लिया है, और यहाँ पे फेविकोल की हेल्प से इनको मैंने चिपका दिया है। चिपकाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कर दिया है ब्लैक एक्रेलिक कलर। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। और इसको फिर सूखने दिया था मैंने। सूखने के बाद फिर मैंने सिल्वर कलर लिया और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह से मैंने ब्रश की हेल्प से इसको कर दिया है। ये देखिए, इसको सूखने के लिए छोड़ दिया है मैंने। और फिर उसके बाद ना मेरा एक ये लड़ी होती है जो लगाने वाली, वो टूट गई थी, तो उसको मैंने फेंका नहीं, और इसके फ्लावर्स मैंने निकाल के रख लिए थे। और फेविकोल की हेल्प से ना मैं इनको भी यहाँ पे एक एक करके लगा दूँगी। बड़ा ही प्यारा सा हमारा ये डीआईवाई बन के रेडी हो जाता है। आप किसी भी बोतल में कोई भी प्लांट लगाएं और इसको उसके बीच में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको पानी देना हो, आप उसको निकाल के बाहर पानी दे दें और दोबारा से उसको बीच में रख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा बन के तैयार हुआ है ये। आप चाहें तो इसको एज अ पेन होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगले डीआईवाई के लिए मैंने लिया है ये एक छोटे वाला जो शॉर्ट्स आता है वो, और इसको इस तरह से मैं बीच से निकाल लूँगी। इनका मैंने दोनों का ही यूज़ यहाँ पर किया है। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से निकाल लिया है, और हमें इसको अच्छी तरह से फिर साफ भी कर लेना है, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी मिट्टी जैसी लगी होती है। और फिर ये जो इसका ये वाला नीचे वाला पार्ट था ना, इसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया है और इसको कवर कर दिया था इस तरह से। और फिर उसके बाद मैंने लिया है सिल्वर कलर, सॉरी पेंट है ये, और इसको मैं इसके ऊपर कर दूँगी। आप यहाँ पर किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेंट है या कोई एक्रेलिक कलर या कोई और भी वॉल पेंट पड़ा है, तो आप उसका यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसको फिर मैंने कलर करने के बाद अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाए हैं कुछ मिरर्स। अगर आपके पास मिरर्स नहीं है, तो आप यहाँ पे किसी बीड्स का यूज़ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं आप उन्हीं का यूज़ करें। आपके पास घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो, आप उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको पूरे को कम्प्लीट कर लिया है। और ऊपर की तरफ भी मैंने, मेरे पास ना एक मिरर पड़े हुए थे ट्राइंगल शेप के, यहाँ पर मैंने उनको भी लगा दिया है।
आप इसको भी एज अ पेन होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप किसी छोटे से बोतल में कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा लीजिए और उसको फिर आप बीच में रख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर DIY बन के तैयार हुआ है ये, और कोई भी नहीं बोल पाएगा कि ये हमने जले हुए पटाखों से बनाया है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की ओर। उसके लिए मैंने उसका बाहर वाला पार्ट लिया है और इसको इस तरह से मैंने पूरे जो इसके ऊपर ये पेपर लगा हुआ था ना उसको मैंने निकाल लिया है, और निकालने के बाद फिर नीचे से थोड़ा मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिल्वर कलर कर दिया है। और मेरे पास घर में एक वेस्ट लेस पड़ी हुई थी, इसको मैंने फेविकोल की हेल्प से यहाँ पर लगा दिया है। लेसिस तो देखिए हमारे घर में मिल ही जाती हैं, हमारे पुराने सूट में लगी होती हैं, या हमारे कोई दुपट्टा होता है ऐसा जिसके ऊपर कोई लेस लगी हो तो आप उसका यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। और नीचे की तरफ मैंने कुछ फ्लावर जो मेरे पास बचे हुए थे उनको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी मेरे DIY यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए हैं, काफ़ी सारा मटेरियल मेरे पास और बचा हुआ है दिवाली का, जिसका वीडियोस मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें।